Hello everyone, welcome back again to anujindal.in As you are done with your NABARD phase 2 exam which was on 29th October You all may think that where is the detailed analysis for phase 2 exam Right? So we are not late Okay So as 29th October phase 2 was done We were preparing the detailed solution as well as analysis of the NABARD phase 2 exam Okay, so if you think that why we didn't immediately give out the question, it's a question paper as well as the solutions of the nabar phase 2 exam. It was because right after the exam, there would be many exam analysis as well as solutions which would be provided on different platforms on YouTube videos. Okay, you can skim and go through those videos and you would understand only one thing that basic analysis what all about this is the question. This is the answer.

What was the actual analysis and what was the trend change or maybe trend which is going on and differing from the past year of the NABAR phase 2 exam? So, this specific detailed analysis is not just giving you the solutions or answers of the phase 2 exam, but rather to deeply understand that how the exam is shifting or maybe examiner who is asking the question first day, how is shifting his stance and which are the important sections to cover, not just subjects.

ऑफिसर तो, तो फिर वो कैंडिडेट विदाउटन ज्वाइनिंग अर्स वो कैसे क्लियर कर सकता है जस्ट बेसिक मिनिमल्स के साथ वो कैसे क्लियर कर सकता है और यही तो पते की बात है कि 70% परसेंट मार्क्स आपको इस एग्जाम में फेज टू के मिल सकते हैं अगर आपने कोई कोर्स भी अगर ज्वाइन नहीं किया होता तो ओके सो वी विल नॉट वेस्ट एनी टाइम नाउ एंड जस्ट डिस्कस क्वेश्चन पेपर एंड फर्स्ट वी विल स्टार्ट दी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन इंग्लिश पेपर और इंग्लिश में खास करके स्टार्ट दिथ दी एसे ओके यू ऑल नो कि हंड्रेड एसे टॉपिक्स भी सर ने दिए थे एंड मार्केट में द बेस्ट कोर्स फॉर ऐसे राइटिंग एज वेल एज एस ए प्रैक्टिस जो कि लाइव सेशन में थोड़ा फॉलो करते तो आउट ऑफ फोर एसे टॉपिक्स टू एसे टॉपिक डिरेक्टली अनुसर के इंपॉर्टेंट टॉपिक से आ चुके हैं वन इज मैन्युफेक्चरिंग का टॉपिक एंड सेकेंड इज क्लाइमेट चेंज का टॉपिक ओके सो फर्स्ट मिल डिस्कस न फर्स्ट टॉपिक फॉर दॉ एक्सप्लेन दी करंट इशूज विच आर प्लेगिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर है सिंपल सा क्वेश्चन था ऐसे का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंपोर्टेंट थिंग वॉज द वर्ल्ड लिमिट वॉज थ्री हंड्रेड ओके तो जनरली थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड वर्ल्ड लिमिट होती है यह वर्ल्ड लिमिट थी नाव इफ यू आर गोइंग टू डेफिनेटली राइट दी एसे तो यहां पर वी कैन डिस्कस वन इंपॉर्टेंट थिंग इन शॉर्ट वी क्ड डिस्कस हिस्सा Okay, so first thing we could write in this essay is first is intro, body, in body different dimensions, and last is conclusion. Okay, in different dimensions, you could add case studies plus examples. Huh? In these dimensions, you can add your arguments.

बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको कुछ आता ही नहीं रहेगा उनका आंसर मे बी पुअर बट मोस्ट ऑफ द मेजर कैंडिडेट्स आर रियली वेरी वेरी डू इनफ ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसका इंट्रो यू कुड एडेड एनीथिंग ओके यू कुड इधर स्टार्टेड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से टर्सरी यू डिस्कस दी सेक्टोरल इंडिया हाउ वी ट्रांसफॉर्म अवर इकोनॉमी फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर डिरेक्टली टू टर्स मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर रहता है इसका डिस्कशन आप ब्रीफली फर्स्ट इंट्रोडक्शन में डेफिनेटली कर सकते हो ओके नाव यू कैन ऑल्सो राइट नाव एज दे आर आसिंग करंट इश्यूज यू कैन राइट दैट नाव इंडिया है

असेंबल इन इंडिया मेक इन इंडिया का जो क्रिटिसिजम था बहुत सारी अपोजिशन ने किया था जस्ट असेंबल इन इंडिया सो यह भी चीजें यू कैन डिस्कस इन दिसंट विच आर एक्चुअली प्लेगिंग द मैन्यक्चरिंग सेक्टर सो यू कैन डेफिनेटली डिस्कस दिस राइट अपार्ट फ्रॉम दिस करप्शन और माइनर प्रॉब्लम स्टील माइनिंग सेक्टर दी इज ऑल्सो यू कैन डिस्कस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रेजेंट अलक् कंक्लूजन कंक्लूजन में आप ये बोल सकते हो दैट दो देश बीन अंडर डेवलप्ड नाव इफ यू सी नाउ एज इंडिया इज टर्निंग टूवर्ड दल रेवोल्यूशन इट इज आर प्रायरिटी दैट दी सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर शुड बी डेवलप्ड तो ये चीजें आप डेफिनेटली डिस्कस uh, कर सकते हो एंड यू कैन राइट गुड एसे ऑन इट ओके सो देर वुड बी एम्पल ऑफ डायमेंशन एज वेल एज आर्ग्यूमेंट टू प्रेजेंट यर एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू सी यू कैन ऑल्सो प्रोवाइडेड भी आप इसमें दे सकते हो या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट वे फॉरवर्ड वेज बीन प्रेजेंटेडो कुड बी इन दंक्लूजन सो विध धिस यू कुड जस्ट ब्रीफली अंडरस्टैंड टॉपिक वॉट वेरी वेरी इजी इफ यू सी ओके

फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन दैट हाउ ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पोर्टेंट इन ऑफ़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ओके तो यू कूड जस्ट से ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन नाउ रेलवे टाइम ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन इज द फर्स्ट प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रांसपोर्टेशन कहीं पर भी ओके सो बिफोर अगर वॉटरवेज भी अगर हम कंसिडर करें एयरवेज भी हम कंसिडर करें तो ग्राउंड वे जो है बी रेलवे या फिर रोडवे कंसिडर करो दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी ट्रांसपोर्ट फॉर एनी ऑफ दोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन इसके बारे में आप ब्रीफली डिस्कस कर सकते हो देन यू कैन डिस्कस दैट हाउ बोथ दिस ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन रेलवेक्स ऑफ एग्रिकल्चर यूज किए जाते लाइफ स्टॉक ओके मे बी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओके फ्रॉम वेजिटेबल्स टू सीरियल ओके एक्सेट्रा एक्सेट्रा फ्रॉम वेहीकल्स

रेलवे uh, एक्सप्रेसिस है जो कनेक्ट करती है या फिर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक एरिया से दूसरे एरिया में प्रोवाइड uh, uh, करती है सो यू कुड जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फूड ग्रेन सो पी एस वन टू ग्रेन फ्रॉम पंजाब इज प्रोवाइडेड टू केरला जस्ट विद इन थर्टीन डेज ओके वॉट इज दिस दिस इज नथिंग बट अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेलवे ओके रेलवे के अलावा आप पंजाब का चावल आप केरला में कैसे प्रोवाइड कर सकते हो ज एग्जाम्पल ऑफ रेलवे आप ऐसे आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते होके सिमिलरलीन गो ऑन रोडवेज नाउ रोडवेज इज दैट दे कैन कनेक्ट टू रिमोट एरिया प्रॉब्लम एंड फ्राइड बिकम्स इज हाउस मोर अबाउट डिस्कशन बहुत डिस

Students are even in context of agriculture and even in context of general education when they are going, they are running away from agriculture. Why? Because education is providing them opportunity of skilling, technicality. At the same time, it is making uh, giving them opportunity to earn more, okay, being employed more, okay, earning more profits. Okay. So, in that economic stance, okay, when students or people are getting that economic stance, youths are getting that economic stance. ल्चर फ्रॉम अ वेरी नैरोग्रीकल्चर इज नॉट प्रॉफिटेबल एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर इज प्लैड विद डिफिकल्टीज नो बड़ी वर्क नो बड़ी वॉन्ट्स टू वर्क ऑन फील्ड ओके तो खेती बाड़ी कोई करना नहीं चाहता एट सुल्स वी गेट एजुकेटेड हमारा जो विजन होता है एग्रीकल्चर की तरफ वो क्या टर्न हो जाता है इट टर्न इन टू खेती बाड़ी वो तो बस एक खेती बाड़ी है और कुछ नहीं है वहां पर मेरा प्रॉफिट नहीं हो सकता बट

ग्रीब्रेनड्रेन क्या है यही है दैट स्टूडेंट्स आर आइदर इफ दे आर गेटिंग एजुकेशन इन डिफरेंट स्ट्रीम और मे बी इवन इन एग्रीकल्चर दे आर स्टिल रनिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर ओके सो वेरियस स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द फार्मिंग कम्युनिटी इटसेल्फ जिनके पिता फार्मर्स हैं या फिर जिनके देर देयर हायरार्की दैट मींस व्हाटएवर फैमिली लिनेज इज देयर ऑल आर एग्रीकल्चरिस्ट और ऑल आर फार्मर्स बट येट नाउ दे आर थ्रोइंग देयर

माइग्रेटिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू डिट ऑक्यूपेश आप डिस्कस कर सकते हो बॉडी में Then, uh, so भी आप डिस्कस कर सकते हो देन डिफरेंट स्किलिंग एंड टेक्निक्स विच आर रिक्वाड इन दिस एग्रीकल्चर बिकॉज अगर हम इंडिया का कॉन्टेक्स देखे तो नॉट एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट

जीज इन एग्रीकल्चरफिकली तो ये भी आप डिस्कस कर सकते हो देन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी आप एग्रीकल्चर के कंटेक्ट में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो डिफरेंट रिफॉर्म्स एंड हाउ यू कैन अट्रैक्ट यूथ इन टू एग्रीकल्चर? तो ये सारी चीजें जब आप डिस्कस करोगे देन यू कैन प्रेजेंट दैट डू यू इधर एग्री और डिस एग्री एंड इन कंक्लूजन यू कूड राइट दैट देंट सीनेरियो इज सच

और फूड का जो प्रोग्रेशन होता है वो ज्योमेट्रिक मेन होता है ओके okay? सो so, जो पॉपुलेशन है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग रैपिडली एंड फूड जो है इट बिकम्स स्कार्स फॉर दैट दैट पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द फूड देन द पॉपुलेशन फॉल्स फॉर डिफरेंट डिसीजेस और निगेटिव चेक्स सॉरी पॉजिटिव चेक्स ड्यू टू विच देन दीपल स्टार्ट डाइंग एंड देन पॉपुलेशन जो भी पॉपुलेशन पॉपुलेशन हाई होता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट करता है तो मालतूस ने भी प्रेडिक्ट प्रेडिक किया हाउ एग्रीकल्चर एंड स्पेसिफिकली फूड फूड क्रॉप्स आर इंपॉर्टेंट इन ऑफ ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्रीज तो ये भी आप कंटेक्स को कोट कर सकते हो इट वॉज एन वेरी ब्यूटिफुल एसे बट एट द सेम टाइम इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट तो इसके डिस्कशन के बाद यू कैन डेफिनेटली डिस्कस द फोर्थ एस टॉपिक क्लाइमेट चेंज एंड इट्स डिटेल इंपैक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ ये बहुत ही स्ट्रेट अवे ए टॉपिक था It was also an, topic, जो की अनुज सर ने प्रैक्टिस एस ए टॉपिक भी लिया था एंड इट वॉज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक विच वॉज ऑल्सो गिवन इन अवर हंड्रेड एसे टॉपिक लिस्ट ओके तो अगर, हाँ context अगर हम इसके कंटेक्स में देखे ऐसे हम इसके कंटेक्स में देखे तो यहां पर अगर आप इंट्रोडक्शन में देखोगे तो फर्स्ट यू कुड है क्लाइमेट चेंज दैट वॉट इज क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर इंक्रीज कितना हो रहा है रेनफॉल रेनफॉल में इरेग्यूलिटीज है उसके बारे में डिस्कशन करना है एक्सट्रीम वेदर पैटर्न ओशन एसिडिफिकेशन ओके एक्सेट्रा एक्सेट्रा पोल्यूशन वगैरह इसका एडिशन यू कुड हैव डिस्कस क्लाइमेट चेंज इन फर्स्ट एज एन इंट्रोडक्शन देन इन बॉडी यू कुड हैव डिस्कस दैट हाउ क्लाइमेट चेंज इज इंपैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी ओके सो इन दैट कंटेक्सट यू कुड हैव डिस्कस की अगर

ओके एंड सो इंडेंजर्ड स्पीशीज है एक्सटिंग स्पीशीज है लॉस्ट इन वाइल्ड स्पीशीज है हाउ मच दैट लिस्ट हैज बीन इंक्रीजिंग दैट ऑल्सो यू कैन डिस्कस इन कंटेक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज देन यू कैन डिस्कस ऑन डिफरेंट कार्बन सिंग सच एज एमेजॉन मैंग्रूव इनके बारे में डिस्कशन कर सकते हो एंड लास्ट यू कैन डिस्कस अबाउट Uh, the wildlife species okay it may be uh, lep uh, it may be snow leopards it may be cheetahs,

स्टूडेंट्स uh, से पूछने के बाद नाउ दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी प्रेसी का जो पैराग्राफ दिया गया था दैट टॉपिक वाज फ्रॉम पीआईबी सो मोस्ट ऑफ दैट्स व्हाई मनी सर्स पीआईबी सेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप उनको भी कवर करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मदद तो होगी तो ये जो पी सेशन का टॉपिक था दैट वॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल क्वेश्चन पूछा था आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रियली बेटर फॉर एनवायरमेंट 130 वर्ड्स में पूछा था जनरली 170 वर्ड्स का होता है सिंपल प्रेसि था ओके यहाँ पर आई थिंक्राफ्स टू राइट दू दिश क्वेश्चन लेटर क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे लेटर क्वेश्चन ओके सो क्वेश्चन नंबर वन राइट लेटर टू द कस्टमर केयर एक्सिक्यूटिव ऑफ एन स्टैब्लिश फर्निचर कंपनी राइटिंग यूर ग्रेवियंस ऑफ डिलीवरी ऑफ टेबल ऑफ स्मॉल साइज आपने पाया जो कि आपको नहीं चाहिए था राइट लेटर टू यू कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव सो देट्लेस दैट ओके तो इन दिस लेटर यू कैन डिस्कस यू कैन राइट दैट आई ऑर्डर

second letter was about write a letter to congratulate your manager for his promotion and also thanking his role he played in your career and his help when you joined as a new newbie so here you you can write a letter about congratulating your manager that about his hard work about his strengths which has uh, now uh, given him a return or given uh, him the fruits okay so you can congratulate him then you can write how the your manager helped you when you started as a newbie maybe you had certain problems okay when you joined maybe you struggled a lot and how your manager helped you and you can also thank him for that okay so this is also a very straightforward letter now this letter was a difficult one write a letter to secretary of residential welfare association for, a dis for disaster response procedure or review of your society तो बहुत ही सिंपल एक्चुअली ये लेटर था एट द फर्स्ट दिस लेटर वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट बट इट इज सिंपल सी बात थी आपके जो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है उनके जो सेक्रेटरी है यू हैव टू राइट हिम हिम अ लेटर टेलिंग कि डिजास्टर रिस्पांस प्रोसीजर रिव्यू करिए आपके सोसाइटी का ओके सो यू कैन टेल हिम दैट हाउ प्रिलिमिनरी वक्शन आर देर इन कंटेक्सट ऑफ डिजास्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इन कंटेक्स डिजास्टर इफ यू सी

ओके okay, जो कि आपने मिस किया ओके okay? so, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर टू अंडर मनरेगा नहीं कर रहे कि मनरेगा इस पीडीएफ से पढ़िए इस पीडीएफ से पढ़िए वी आर नॉट टेलिंग मनरेगा स्कीम मनीष सर ने कवर की है और ये देखिए 150 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जहां पर मनीष सर एक्चुअल इन दिस से फिफ्टी एडिशनल डेज बी प्रोवाइडेड। तो आप चमक जाते नॉर्मली हंड्रेड होता है लेकिन यहां पर फॉलोइंग ऑर्गेटीजर फॉलोड इन एंड फॉलोड इन एक्सिक्यूटिंग रिफोर्म इन इंडिया नाउ स्पेसिफिक थिंग इज हमने एक डेमो क्लास दिया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 पे ईएसआई का अनुत्सर का एंड सी हियर अगर आपने फर्स्ट इवन इंडेक्स भी देखा तो भी कंडीशनलिटीज इंपोज्ड बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक तो आईएमएफ इज इंक्लूडेड सो देयरफॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कंडीशनलिटीज कंडीशनलिटीज देखो डायरेक्ट हिट क्वेश्चन आईएमएफ एंड आईबीआरडी तो बस इंडेक्स देख के अगर आपको मार्क्स मिल रहे तो क्यों हर्ज नहीं यार तो क्यों कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करेगा एक्चुअल फैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड यू कूड सी सी द्वेश्चनिटीज एंड यूर कंडीशनिटीज इम्पोज बाई आई एम एम इट्स डायरेक्ट मुझे अंदर कुछ वीडियो को आपके स्क्रीनशॉट कंटेंट का डालने की भी जरूरत नहीं इंडेक्स से पता लग रहा है आपको दिस वॉज अमेजिंग थिंग नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग अगर आप एनालिसिस देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वन थिंग ऑब्जेक्टिव पेपर वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट खास करके ए री वेरी डिफिकल्ट इन कंटेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टू मार्कर क्वेश्चन में भीटोबर भी. को हुआ जो भी जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पी आई बी से बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज करके गए क्लियर

विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आशा वर्कर्स ओके okay? अब आशा वर्कर्स के रिगार्डिंग था अब ये blatantly आशा वर्कर्स कहीं पे कवर्ड नहीं था बट एक जनरलिटरे आशा वर्कर अब किस इलिटरेट होगा तो फिर कोई भी आशा वर्कर बन सकता है तो कोई भी इंडिया का कोई भी इंडिया में जो इलिटरेट है वुमेन वो आशा वर्कर बन सकती है अब ऐसा तो हो नहीं सकता सो देर फॉर वाय थिंक इज आप ए को इलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पर बी इज टेन्थ पास वुमन एज ट्वेंटीड एज आशा वर्क इज करो करोबेरी प्रोडक्शन सीनेरियो इन इंडिया और आप स्ट्रॉबेरी का आप देख सकते हो साइंटिफिक ने

तो आप देख सकते हो लोमी सॉइल देखो सेंटर में है यहां पर तो इट मीन दैट इट हैज ऑल सिल्ट क्ले एंड सैंड ऑल दिस थ्री थिंग्स इट हैज इन इट्स मैक्सिमम क्वांटिटी ओके तो सारी चीजें लोमी सॉइल में होती है दैट इज इज इट इन सेंटर अगर वो यहां पर होती तो उसके पास सिल्ट सैंड होता लेकिन क्ले नहीं होता तो लोमी सॉइल बीच में होता है कभी भी और ये मैंने लेक्चर के वक्त आपको चिल्ला चिल्ला के बताया तो इसमें कोई डाउट नहीं है देन क्वेश्चन नंबर नाइन वट इज द नेम ऑफ सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड जेस टू इन्वेस्ट इन रूरल वेंचर है PIB 247 में सर ने कवर किया है तो इसमें कोई डाउट नहीं है है okay? ओके अब फिर से यह हमारी से नोट्स में पर लिया गया है। स्क्रीन क्लीनर देख सकते हो सीड चैप्टर सीड ओके में से ये पीडीएफ है तो एयर स्क्रीन एयर स्क्रीन क्लीनर वॉज देंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके Then comes two marker question. So, in two marker question, there was a paragraph on swines. Okay. So, two, three paragraphs are there. Majorly, in this objective questions, in context of ARD static, the questions are on animal husbandry. Okay. So, four topics majorly you have to concentrate. First is animal husbandry, fisheries, uh, forestry, uh, horticulture, and plantation. So, these are these four topics uh, as well as soil.

तो स्वाइन्स के ऊपर टॉपिक आया था वी ऑल नो डिफरेंट साइकिल्स एंड ऑल साइकिल्स आर आस्ट इन कंटेक्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ओके तो सिमिलरली पिक्स के रिलेटेड भी पिक्स का जो लाइफ स्टॉक है उनके रिलेटेड भी एक पैराग्राफ आया था और उनके कंटेक्स में पार्ट पार्ट के बारे में एक पैराग्राफ है तो इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू टू द एनिमल्स तो अगर मैं, in general, अगर मैं इन जनरल इफ आई डिस्कस यू तो अगर हम शिप का देखें तो गिविंग बर्ड टू द एनिमल इट इज कॉल्ड एज लैम ओके दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉल्डिंग अगर हम गोट का देखें इट इज कॉल्ड एज एजिंग ओके सिमिलरली इफ यू सी पिग्स तो पिग्स के कंटेक्स में इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है फेरोइंग बोला जाता है ओके okay? तो इस कंटेक्स में ऐसे तीन क्वेश्चंस उस पैराग्राफ के ऊपर आस्क किए गए थे सो फर्स्ट इज व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वाइन्स ओके सो फेज 1 में ये पूछा था कि हेंस के कंटेक्स्ट में व्हाट इज द लाइक व्हाट इज द ओव्यूलेशन पीरियड ओके सो इन कंटेक्स्ट ऑफ द फेज 2 यू कुड सी द गेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वाइन्स और पिग्स वाज आस्क तो वो 114 डेज होता है वी हैव डिस्कस्ड दिस ड्यूरिंग आवर कोर्स आल्सो

नेक्स्ट पैराग्राफ वॉज ऑन पोल्ट्री स्पेसिफिकली सी पोल्ट्री के कंटेक्स में डिफरेंट सिस्टम्स ओके सो वन बैटरी सिस्टम हो हो गया गया इस सिस्टम सिस्टम ओके सो के में जो केजिस होते हैं और स्टोरेज होता है पोल्ट्री का उसके कंटेक्सट में एक पैराग्राफ आया था एंड बेस्ड ऑन दैट थ्री क्वेश्चन विद

फैक्चुअल थिंग्स देन कम्स अगेन पैराग्राफी एग्रीकल्चरल ग्रोथ ओके नाव दिसराग्राफ एक जनरल पैराग्राफ था पी आईबी से ही उठाए इस पैराग्राफ को वो दो पैराग्राफ जो है दो आर डी स्टैटिक्राफे जो कि इंटरनेट सेव क्रॉस विदूडेंट्स नॉट स्पेसिफिकली फ्रॉम पी आईबी ओनली ई नाम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, okay? so see, अब है हमारे कोर्स में ही ई e नाम सिखाया गया है ओके सो यू डोट नीड टू वरी अबाउट इट

In 2020 स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड दिसको बोध प्लेटफॉर्मलेस ट्रेडिंग सिंगल साइन ऑन दी फ्रेम वर्क ये जो ई ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है दट इज राष्ट्रीय सर्विस और इट इज ऑल्सो आर ई एम एस

ज नॉट ओनली एट स्टेट लेवल बट एट ऑल लेवल्स तो इसका आंसर ए बी आ गया देकेंड क्वेश्चन देखिए इलेवन डे सिज कन्वर्जिंग विदीजी टेकन अंडर दी डायरेक्टली मेन्शन इन दी आई बी से और फाइव हंड्रेड सिटीज है जो की अमृत स्कीम्स में से उसमें इंक्लूडेड है मनीष सर ने पी आईबी में इसको बहुत डेप्थ में कवर किया है गोए जस्ट चेक इट आउट ओके okay? सारे फैक्चुअल डेटा को इवन सर ने सर्कल कर दिया है

the minimum size of houses has been increased to how many square meters from 20 square meters earlier so from 20 square meters it is increased to 25 square meters second was under pradhan mantri awas yojana financial assistance to hilly areas has been increased from 75000 to how much it was from 75000 to 1.30 lakh rupees and the last question was many government initiatives are being run in coherence with the above mentioned scheme under

ओके okay? तो यही है आपका इवन थ्रू फ्री कोर्सेस वेर वेर फ्री अवेलेबल ऑन चैनल देन यू वेर एबल टू रीडिटेंट लेट फॉर नाउर वॉज अगेन पैराग्राफ परंपरागत कृषि विकास योजना ओके वन ऑफ अ फ्लैगशिप स्कीम इन कंटेक्स ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ओके एंड रीवैंपिंग दीकल मेथोडोलॉजी

Was also, परंपरागत कृषि योजना गवर्नमेंट स्कीम okay? ऐसी कोई नहीं है जो कि मनीष सर ने कवर नहीं की है ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड ओकेम ओके सो परंपरागत कृषि विकास योजना के तीन दिए थे सेंटेंसिस फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर द क्लस्टर फॉर्मेशन कैपेसिटी बिल्डिंग कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग बाय द ट्रेंड पर्सनल सर्टिफिकेशन एंड रेसिड्यू एलिस

Alarming rates. So, water -intensive crops भी अगर आपको पता होते जो हमारे लेक्चर्स में मैंने बहुत बार बताया कौन से कौन से वॉटर इंटेंसिव क्रॉप पहले तो पैडी दैट मीन राइस केन व्हीट इनके बाद कौन सा आएगा कॉटन एम आर सो दीज ऑल आर वाटर इंटेंसिव क्रॉप अगर आपको पता होता है क्वेश्चन ऑन आइडिया फ्रेमवर्क ओके सो आइडिया फ्रेमवर्क इज नथिंग बट इंडिया डिजिटल इको सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर

Uh, for the phase 2 exam okay in description also we are going to give the link as well as on our online uh, website also anujindal.in in courses we have given this pdf of the detailed solution of the phase 2 but here we are not going to discuss the answer but rather we are going to see the questions and we are going to compare it with the previous year's question so in 2021 the compulsory question was on crossbreeding let's see this year's first question it was on pradhan mantri Masya Sampada yojana एम्स ऑब्जेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रैटेजी पंद्रह मार्क का था कंपलसरी था दी मेन थिंग ऑफ स्कीम स्पेसिफिकली आज दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ओके नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट जो ब्लू रिवोल्यूशन इंडिया में लाना है उसके रिगार्डिंग ये था मेन मोटो ऑफ द स्कीम वॉज रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इन दिशरीज सेक्टर इन दी फिशरी ब्लू इकोनॉमी फिशरी सेक्टर के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम था मनीष सर ने यह भी इस का किया था विच वुड बी इधर रिपीटेड इन कंटेक्सट ऑफ एसे और इधर इट वुड बी रिपीटेड इन कंटेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव बट उन्होंने, उन्होंने यहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ लिया सो नो वंडर ओके तो यह प्रेडिक्टेड क्वेश्चन था मनीष सर की तरफ से बॉडी में आप स्कीम्स के बहुत सारे पॉस्टूलिट्स लिख सकते हो बिकॉज ये क्वेश्चन में आपको पूछा है यू कैन राइट अबाउट एम्स और मे बी यू कैन स्टार्ट यूर इंट्रोडक्शन विद द एम यू कैन राइट इम हाउ द इम्प्लीमेंटेशन बीन डन एंड वॉट इज गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी दैट ऑल्सो यू कैन राइट सो कॉर्पस यू कैन राइट अबाउट ओके सो बेनिफिशरीज हु बेनिफिशरीज आर हुजर ओके वॉट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द स्कीम एंड द शेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट ओके देन यू कैन राइट अबाउट हु आर द बेनिफिशरीज

फ्री कंटेंट उससे भी आपकी एग्जामी गवर्नमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फूड इकोनॉमी थ्रू दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बट दि चैलेंज देर आर सर्टन चैलेंजेस इन दब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नाव इन दिस क्वेश्चन पर से यू को डेफिनेटली

But more importantly, this was a question where a student, even if it, he has a decent knowledge regarding the PDS system, he would have given the answer. After this, you could give some solutions or reformative steps by the government. Maybe other seeding for removing the ghost beneficiaries in the PDS system, uh, a committee which is based on the FCI reforms, computerization or uh, modernization of the PDS system, direct benefit, tra benefit transfer and cashless. and last was the conclusion how to conclude in context of pds system and how would be the way forward uh, in context of food nutrition as well as security in the country so this was uh, uh, esi hamare jo course ka lecture hai usi me se snapshot hai pds system ka okay so it has been covered there uh, in the poverty chapter pds system cover ho chuka hai and you could see that if you have been a course student then you would definitely have enough content to write the answer of the question so the third question was social infrastructure is prerequisite for the inclusive growth discuss 15 mark ek difficult question tha from understanding point of view now this question was totally directed how rbi asks its question okay this year's descriptive questions were very very aligned to the rbi's descriptive questions maybe in context of uh, macroeconomic concepts okay

You would have explained initially that what social infrastructure includes from education, healthcare, and then role of social infrastructure in the inclusivity and sustainable growth. So education and health, how it is leading to inclusion. Then focus on human resource, okay, employment generation, enriching human capital. Then economic structure, how it is improvising the economic structure, and you would have concluded the last that how social infrastructure actually will. मेक एन इंक्लूसिव और कोहेजिव सोसाइटी ओके देन बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी मार्क कंपलसरी क्वेश्चन था एंड दिस वॉज अ डिरेक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को इट वु बीन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन ओके हर इन दी इंट्रोडक्शन इन बॉडी यू वुड है इकोनॉमी ओके सो मे बी फाइनेंशियल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल देन पॉलिसी रिलेटेड कैसे एडवांटेजेस वर दर्टेंट मिसलेनियस थिंग इम्प्रूव बाई द्लोबलाइजेशन ये सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं एंड देन यू कुड कंक्लूड दैट हाउ ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमीज ओके और खास करके इंडियन इकोनॉमी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया ओके देट डिस्कस ऑब्जेक्टिव एंड कंपोन ऑफ एन आर एल एम नेूरलोटी रूरल लाइवलीशन वॉट आर इट्स एंड ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन दिन आर एल एम के कंपोनट क्या क्या है given its different features, okay? Minutes and different, different features, okay? Uh, it's its uh, the central sponsored scheme and how it is financially shared between the states, okay? The sub schemes under the uh, National Rural Livelihood Mission, okay? And in end, you would have concluded, okay? So, again, a dedicated video on this particular uh, National Rural Livelihood Mission has also been covered by the money, sir. तो ये भी आप कर सकते थे एंड इट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था और इस टाइम भी क्वेश्चन आया जस्ट देशन डिफरेंट सो वॉट इज सोशल फॉरेस्ट्रीड वॉट्स एंड इकोनॉमिक्स आउट ऑफ एटर यूड इंट्रोड्यूस सोशल फॉरेस्ट्री का मीनिंग क्या है टर्म सो जेसी बेस्टो भी क्वॉइन देश न सोशल फॉरेस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है ओके सो फार्म फॉरस्ट्री एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कम्युनिटी वुड्स लॉट ओके रीहेबिलिटेशन रिक्रिएशन एंड देन बेनिफिट्स ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री ओके आप यहाँ पर बेनिफिट बता सकते थे हाउ इट इज बेनिफिटिंग सो मे बी फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग सॉइल कंजर्वेशन बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन हेल्थ ऑल्सो यू कुड से फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द्यूमन बींग्स ये भी आप पॉइंट एड कर सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वेल एज सोशल बेनिफिट

PIB section becomes very, very important. Globalization uh, as well as the Indian economy, okay. So, post liberalization period, okay. That becomes very, very important, okay. The schemes which are related to the ARD and mostly related to the rural development. So, governmental schemes which are related to ESI as well as agriculture, but most importantly, rural development. Those were too much asked in the exam.

विथ सोलूशन द ट्रेंड इफ यू सी देन फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी अगर ट्वेंटी ट्वेंटी हम कंपेयर करें तो यू कुड सी दैट इन ट्वेंटी ट्वेंटी क्रॉस ब्रीडिंग का क्वेश्चन स्टूडेंट्स रियली कूडेंट एंसर इट वेरी प्रॉपरली दिस ईयर ऑल द क्वेश्चन स्टूडेंट्स किसी को भी यह डर नहीं था किन ऑफ दॉज चेंज ओके सो ई एस आई में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में और ए आर डी के स्टेटिक क्वेश्चन नहीं आए बल्कि गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए मैक्सिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ई एस आई के ज्यादा पूछे गए विच वेर ट्रिल्टेड टूवर्ड गेस्ड ऑन पैराग्राफ्स बेस्ड ऑन एनिमल एस्ट्रोनरी चैप्टर, ओके, सो दिस वाज एन टोटल ओवरव्यू ऑफ़ द नाबाड़ फेज टू एग्जाम, ओके, डिटेल एनालिसिस, ट्रेंड, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अलसो वी डिस्कस, एंड नेक्स्ट ईयर का स्ट्रेटजी क्या रहेगा, सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ दैट डू नॉट ट्राई टू प्रेड Question paper looking at the solution, looking at the different types of question, how they are asked, and this analysis per se, you would have understood what are the important topics. So please cover these important topics in depth. When you will cover these topics in depth, definitely there is no one to stop you to have your name in the holy PDF that is the final list of the NABAD grade A exam. This is all. Thank you.